हेलो गाइस, तो कैसी हो प्री पब्लिक? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल पीसी ग्रीक आइडियाज। मेरा नाम प्रखर चंद्राकर है और आपने ये थंबनेल लिख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पिन बॉलिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाके सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। क्यों? ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियोज के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्पिन बॉलिंग पे। तो स्पिन बॉलिंग ऐसा है कि आजकल बहुत कम लोग ट्राई करते हैं, लेकिन जिन्हें ट्राई करते हैं मैं उनके लिए ना कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा। उनको मतलब क्या क्या फैक्टर्स वर्क करते हैं स्पिन बॉलिंग के लिए वो बताना चाहूँगा। तो यार स्पिन बॉलिंग 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला है जंप, दूसरा कोऑर्डिनेशन, तीसरा रिलीज पॉइंट, चौथा फॉलो थ्रू और पाँचवा पिचिंग ऑफ द बॉल। तो सबसे पहला फैक्टर है जंप। जंप ऐसा है कि अगर आपका जंप अच्छा ना तो आप अच्छी बॉल डिलीवर कर पाओगे, तो मतलब ये आपकी डिलीवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हमें इसमें अच्छे से वर्क करना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर का, जो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स यार हो कि आपका जो बॉलिंग आर्म है और नॉन बॉलिंग आर्म है एक ही डायरेक्शन में जाता है कि नहीं। अगर आपका दोनों आर्म मतलब बॉलिंग आर्म नॉन बॉलिंग आर्म एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है और आप अच्छी डिलीवरी डाल पाओगे। और हाँ, ये कोऑर्डिनेशन होता है ना, ये ना आपका कौन सी लाइन में बॉल डालने वाले ये डिसाइड करते हैं, तो आपको कोऑर्डिनेशन अपना अच्छा रखना है। हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, जो है रिलीज पॉइंट। रिलीज पॉइंट है वो चीज़ है मतलब कहाँ से आप बॉल को रिलीज करते हो जब बॉल आप डाल रहे हो तब। तो ये डिसाइड करते हैं कि आप ना कौन सी लेंथ पे बॉल डालने, मतलब आपकी बॉल कहाँ टप्पा खाने वाली है, यह ना आपका रिलीज पॉइंट बताता है। तो हमको इसमें वर्क करना चाहिए अच्छे से। तो हम चलो बात करते हैं फॉलो थ्रू की। तो फॉलो थ्रू का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बस इतना ही रोल है कि वो हमको ना पेस जनरेट करने के लिए हेल्प करते हैं। वैसे कुछ बॉलर्स होते हैं जिन लोग बस ना बॉल जाके रिलीज़ कर देते हैं, तो क्या उसमें पेस नहीं होता बॉल पे, मतलब आपकी बॉल आपकी जो डिलीवरी एकदम स्लो आएगी। तो अगर आप फॉलो थ्रू करते हैं ना तो आपकी डिलीवरी थोड़ी फास्ट हो जाएगी, तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। तो हम बात करते हैं पिचिंग ऑफ द बॉल। पिचिंग ऑफ द बॉल है कि आप कहाँ बॉल टप्पा खिला रहे हो ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, है ना। ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे आप डाल रहे हो लेग स्पिन, है ना, तो आप डाल रहे हो उसको ऑफ स्टेप के भी बाहर, है ना, तो वो पढ़ के कहाँ जाएगी और बाहर निकल जाएगी, तो वो वाइड चल जाएगा। मतलब आप एक्स्ट्रा बॉल डाल रहे हो, एक्स्ट्रा रन दे रहे हो, तो ये एकदम ख़राब बॉल है। तो आप यही चीज़ को क्या कर सकते हो, आप जैसे लेग स्पिन डाल रहे हो ना तो आप उसको ना मिडिल स्टंप में रखो ताकि पढ़ के थोड़ी बाहर निकले। ऐसा आप ऑफ स्पिन कर रहे हो, है ना, तो आप क्या करो अपना उसको हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर रखो, हल्का सा, ताकि वो पढ़ के अंदर घुसे, तो अच्छी बॉल जाएगी, अच्छी डिलीवरी जाएगी। तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। मैं आपके लिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग टिप्स लेके आते रहूँगा। तब तक के लिए बाय। थैंक यू मुझे सुनने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दें, है ना। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके दिए गए पर्टिकुलर टॉपिक पर बना सकूँ। तो थैंक यू वंस अगेन, हैव अ पीसफुल एंड नाइस डे अहेड। तो चलिए बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।